नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूं, ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है अपने घर पर। हर व्यक्ति के घर में तुअर की दाल, मसूर की दाल होती है ना? मसूर की दाल एक बार हो ना हो, तुअर की दाल तो अवश्य ही होती है। दाल चावल में जो पीली दाल, काफी लोग बहुत आश्चर्यजनक सवाल पूछते हैं, मूंग कौन सी मूंग, उड़द कौन से उड़द। शनिवार है, काले उड़द ही बता रही हूं, है ना? तो तुअर की दाल, जो पीली तुअर की दाल है ना, बहुत लोग बहुत निर्दोष है। तो तुअर की दाल हर व्यक्ति के घर में होती है। दोस्तों, जो भी लोग परेशान है, जिनके जैसे आपके मकान में किराएदार घुस गए, अब वो खाली नहीं कर रहे, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कुछ कायर जैसे हैं, डरपोक जैसे हैं, उनके अंदर वो बल नहीं आ रहा है जो आप चाहते हैं, है ना? तो भी आप इस उपाय को करें। आप कहीं जमीन देख करके आए हैं, आपको लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, मकान आपकी पसंद का है पर आप उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, मकान के ले बेच का कोई भी काम है जो रुका हुआ है, शादी में कहीं कोई बाधा आ रही है, आपकी एज मतलब ज्यादा हो रही है और शादी नहीं हो पा रही है। कितनी बार आपको पंडित बताएंगे कि मंगल आपको परेशान करते हैं, दैट इज वाई आपकी शादी 30 साल के बाद होगी, 28 के बाद होगी, 33 के बाद होगी, जल्दी गया तो सामने वाला मर जाएगा, बोलते हैं ना? आप लोग एक छोटा सा ये काम है जो मैं आपको बता रही हूं, जो भी महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, जो भी हैं जो इस वीडियो को देख रही है, अवश्य ये काम करें, क्योंकि ये काम आप बहुत जल्दी कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे। अदरक, अदरक दोस्तों लक्ष्मी प्रदान चीज है, अदरक के ऊपर बहुत सारे उपाय होते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की है, आगे भी करती रहूंगी। अदरक बहुत ही एक आशीर्वाद जैसा है, इसके इस अदरक से आप वशीकरण कर सकते हैं, शत्रु नाश कर सकते हैं, घर में लक्ष्मी का लक्ष्मी को ला सकते हैं, आपकी नौकरी यदि जा रही है तो उसे भी आप टिका सकते हैं। अदरक का टुकड़ा दोस्तों यदि आप बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दें, आपकी इच्छा को लिख करके, आपकी जाती हुई नौकरी नहीं जाएगी, अटक जाएगी। अदरक बहुत अच्छी चीज है, बहुत पावरफुल है। सूखी अदरक जो आती है उसका पाउडर भी मिलता है, और अदरक भी हरी जो अदरक मिलती है, जो जिसे आप चाय में डालते हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो चीज चाहिए, एक तो अदरक, दूसरी आपके अपने ही घर में मौजूद तुअर की दाल। तुअर की दाल भी दोस्तों यदि आप अपने घर में तांबे के डिब्बे में रखते हैं, तांबे के धातु वाले डिब्बे में, या जहां पर तुअर की दाल है उसमें तांबे का एक छल्ला डालते हैं, आपके घर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी बसाने के लिए बहुत आपके लिए लकी साबित होगा। दूसरा, यदि आप प्लास्टिक का या कांच का बर्नी यूज करते हैं तो फिर आप उसका रेड कलर पसंद करें और उसमें आप तुअर की दाल भरें, तुअर की दाल या मसूर की दाल, एक पीली होती है एक रेड होती है, जो मसूर की है वो ऑरेंज जैसी होती है, थोड़ी पतली आती है, दोनों ही दालों में ये क्रिया आप कर सकते हैं। ठीक है, काफी लोग तुअर की दाल के अंदर ही मसूर की दाल मिला करके रखते हैं, और सच में आप देखना उनके घर में एक अलग टाइप की शांति दिखाई देगी। शायद हमें पता ही नहीं होता है कि कई ऐसी क्रियाएं हम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी लाभप्रद होती है और हमें पता ही नहीं होता है। तो तुअर की दाल में यदि आप मसूर की दाल भी डाल करके रखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया होती है। जैसे कि आपके घर में 5 किलो तुअर की दाल है तो ज्यादा नहीं, एक मुट्ठी भी आप उसमें मसूर की दाल डाल दें, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ग्रह आपका जो मंगल ग्रह है वो प्रबल बनता है और जो उसके दोष है वो दूर होते हैं। वैसे अदरक तो आपके घर में रोज आती है, तो आपको तुअर की दाल के डिब्बे में अदरक डालकर रखनी है, या फिर अदरक का पाउडर, जो सूखी हुई अदरक होती है उसका जो पाउडर मिलता है उससे आप उस पर छिड़क दें,
वैसे भी दोस्तों इस चीज को आप लॉजिकली भी देखना, जब आप तुअर की दाल बनाते हैं तो तुअर की दाल में यदि आप अदरक को पीस करके डालते हैं, उस दाल का टेस्ट दूसरी दाल से बिल्कुल यूनिक, एक हट करके ही हो जाता है। आप बड़ी बड़ी होटल्स में जाएं, तुअर की दाल के अंदर अदरक और लहसुन पीस करके अलग से ही डाल दी जाती है ताकि उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो ये ऐसे ही नहीं है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी, ये अननेचुरल नहीं है बहुत। यदि आप इसमें सोचेंगे, जितना आप सोचेंगे आप इसकी गहराई को ढूंढ करके बहुत आराम से निकाल ले जाएंगे। व्हाई, ऐसा क्यों है, क्यों हमने इसी चीज को इतना महत्व दिया, क्यों इस चीज की जोड़ी बन गई। जोड़ी ऐसे ही नहीं बनती है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, जब तब किसी चीज की जोड़ी बनती है। इनवर्ना दोस्तों अगर गलत जोड़े मिल गए तो इंसान भी साथ में नहीं रहते, चीजें तो बहुत दूर की बात है ना। तो अदरक तुअर दाल के डिब्बे में आप डाल करके रखे, या अदरक का पाउडर तुअर दाल के डिब्बे में। ये जो मैं किचन के जो भी उपाय बता रही हूं, बड़े ध्यान से आप इन्हें सुनिएगा और इन्हें फॉलो जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। आपके लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। और ये वो उपाय है जिसमें आपको कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है, बस उस चीज को वहां से उठाकर वहां रखना है, वहां से उठाकर वहां रख देना है। सिंपल है, करके देखें, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको उपाय बताया, या तो इस दाल को आप कांच या प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं तो उसका कलर आप रेड रखें, तुअर दाल के अंदर मसूर की दाल थोड़ी सी मिला करके रखते हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा। यदि आप तुअर दाल को पीतल के डिब्बे में रखते हैं तो भी बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो जहां तुअर दाल आपने रखी है, आप रख करके रखें, उसमें अदरक का टुकड़ा डाल दें या अदरक का पाउडर डाल दें, रिजल्ट आप देखेंगे बहुत बढ़िया आएगा। लेकिन किसी भी चीज को कंटिन्यू करते रहना पड़ता है, ये नहीं कि आपने आज किया और कल रिजल्ट नहीं आया, परसों भी देखा नहीं आया, एक दिन और देखा नहीं आया, उठाई अदरक और ऐसे दूर फेंक दिया, भट कोई रिजल्ट नहीं आया, और उसके बाद पेन उठाई, पेन की क्या जरूरत है, अंगली से लिख दिया, मैडम आपके उपाय बहुत गलत गलत थे, कोई रिजल्ट ही नहीं आता है, ऐसा नहीं, करो करो उसको फॉलो करो, शांति से करो, थोड़ा पेशेंस रख के करो, रिजल्ट तो आना है, रिजल्ट को तो आना ही है, आप सिर्फ करो, कर्म करो, करते रहो, खुश रहो, जय श्री कृष्ण।